हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मनीष के। फिर से मैं मनीष एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। मेरे पर मैसेज फोन बहुत आ रहे हैं दोस्तों कल से, क्योंकि मैं कुछ दोस्तों की थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है मेरे को, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और फिर भी दोस्तों ये जवाब देना आप लोगों को जरूरी था। कई मैसेज फोन मुझे आया, सब लोग परेशान थे कि सर क्या करें, बिटकॉइन तो बैन हो रहा है इंडिया में, मैं बहुत सुन रहा हूँ। मैं फिर इस पे स्टडी किया कि भाई ये कैसा हो गया एकदम से, तो मैंने पाया दोस्तों एक कॉइन टेलीग्राफ में एक आर्टिकल आया, उसमें था आप देख सकते हैं सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंट ऑन पॉसिबल बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी। इन्होंने एक हिंट दिया है, पॉसिबल वो है बैन करना पॉसिबल है इन्होंने कहा है। दोस्तों पूरी रिपोर्ट में बताता हूँ आपको क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है भाई। आप लोगों के पास बिटकॉइन है तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, इथेरियम है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ठीक है ये बैन करने का आरबीआई ने अपना फैसला सुनाया है, पर वर्ल्ड में ये बैन नहीं हो सकता, वर्ल्ड में बैन नहीं हो सकता। अगर इंडिया में इसको बैन करना है तो गवर्नमेंट चाहे तो बैन कर सकती है, बट ये वर्ल्ड वाइड बैन नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि एक ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है ये करेंसी, ठीक है। इसका अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनी खुद की है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। इंडिया सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज प्रीवियसली अनाउंस इट प्लान, उन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस में अनाउंस किया था प्लान को, टू बैन द यूज ऑफ वर्चुअल करेंसी एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। कंट्री में इंडिया में वर्चुअल करेंसीज को पेमेंट प्रोसेस में लाने के लिए उन्होंने बैन करने के लिए पहले ही बोला कि उसका यूज नहीं किया जाए, ठीक है। तो पेमेंट के फॉर्म में यूज नहीं होगी, इन्होंने पहले ही बता दिया और सेंट्रल बैंक ने भी बोला है, पहले भी बताया था, ठीक है। सेंट्रल बैंक हाउएवर हैज शोन सपोर्ट टू ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन को सेंट्रल बैंक ने सपोर्ट किया है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक यहाँ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो भी आरबीआई के साथ है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम वर्चुअल करेंसी को पेमेंट करने के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे कंट्री में, ठीक है। तो एट द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मुंबई, अब सुनिए ध्यान से, नवंबर 6 को कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में, जिसमें आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस गणेश कुमार हैज हिंटेड दैट डिजिटल करेंसी सच एज बिटकॉइन एंड इथेरियम विल नॉट बी अलाउड टू बी लीगली यूज अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने एक हिंट दिया था कि डिजिटल करेंसी बिटकॉइन और इथेरियम को ही विल नॉट बी अलाउड टू यूज लीगली, लीगली अलाउड नहीं करेंगे यूज करने के लिए कंट्री में। Our current position on Bitcoin is that we will not be using it for any payments and settlement. इन्होंने कहा कि हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब आरबीआई खुद यूज नहीं कर रहा है इसको कोई भी पेमेंट और सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी की वो एंड नहीं हो सकती, इन्होंने खुद बोला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यानी कि इन्होंने जो पॉजिटिव बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, आने वाली टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव बताया, सिर्फ इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन और एथेरियम को हम लीगली यूज नहीं अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी इन्होंने उसके लिए भी इन्होंने डिसीजन नहीं बताया, ठीक है। इन्होंने कहा है कि पॉसिबल बैन है हमारे तरफ से, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और अगर करेंगे भी तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मैं उसका ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों एक और स्टेटमेंट, एज अ प्रूफ ऑफ ब्लॉकचेन ग्रेट प्रॉमिस सेवरल बैंक इन इंडिया सच एज आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक ऑलरेडी यूजिंग ब्लॉकचेन इन सच एप्लीकेशन एज ओवरसीज ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल रेमिटेंस। दोस्तों ऑलरेडी इंडिया में आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक ऑलरेडी इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, ओवरसीज ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल रेमिटेंस को क्लियर करने के लिए, यानी कि बाहर भेजने के लिए पैसे का ये लोग ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं ऑलरेडी दोस्तों, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों मैं एक और बताता हूं पॉइंट, द पॉसिबल बैन ऑफ डिजिटल करेंसी इन इंडिया हैज डिप्लेस्ड द प्लेयर ऑफ द कंट्री वर्चुअल ट्रेडर अकॉर्डिंग टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन एक्सचेंज जेप्पे को फाउंडर, जेप्पे के जो को फाउंडर है संदीप गोयनका, उन्होंने कहा है कि दे विल ट्राई टू एजुकेट गवर्नमेंट अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, कि वो खुद गवर्नमेंट को एजुकेट करने की ट्राई कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उनको बताने की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, वो एजुकेट कर रहे हैं
कि गवर्नमेंट को कि एक्चुअल में क्या है क्रिप्टो करेंसी और इसका फ्यूचर क्या है और क्यों इंडिया के लिए फायदेमंद, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कर रहे हैं अपने तरफ से एफर्ट, वी विल डू अवर बेस्ट टू कंटिन्यू विद अवर एफर्ट टू एजुकेट द गवर्नमेंट अबाउट क्रिप्टो करेंसी, इट कैन बी हेल्पफुल यूजफुल फॉर इंडिया बाय टर्निंग द कंट्री इनटू फिनटेक हब टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड देयर आर सेवरल अदर बेनिफिट। और भी अगर क्या क्या बेनिफिट है और कैसे ये फिनटेक हब में बदल सकता है कंट्री, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, ये सब एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो दोस्तों अब बात यहाँ आती है कि भाई हम क्या करेंगे अगर बैन हो गया। बैन हो गया तो दोस्तों हमारे पास इंटरनेशनल वॉलेट है, बैन होगा तो इंडिया में ज़ेप्पे हो सकता है कि ज़ेप्पे में इन लोग कुछ बैन लगाए एक्सचेंज में या यूनो कॉइन में लगाए, लेकिन दोस्तों वो भी लगाएंगे तो ये आपको टाइम देंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक महीना दो महीना जितना भी इनको टाइम देना है वो देंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी करेंसीज को वापस अपने रूपी में कन्वर्ट कर लो या अदर करेंसीज में कन्वर्ट कर लो। और दोस्तों रही बात एक्सचेंजेस की, तो दोस्तों ये इंडिया में बैन कर सकते हैं एक्सचेंज को, अदर कंट्रीज में नहीं कर सकते, ठीक है। तो करना है तो कर सकते हैं इंडिया में, बट अदर कंट्रीज में नहीं कर सकते बिटकॉइन को बैन, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास इंटरनेशनल ऑप्शन है, आप करेंगे क्या? आप अपने बिटकॉइन को इंटरनेशनल वॉलेट में रख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ, पोलोनिक्स एक अच्छा वॉलेट है, बिट्रेक्स एक अच्छा वॉलेट है, आप उसमें भी चाहे तो रख सकते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन मैंने बता भी दिया आपको, तो ये घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों रही बात सेगविट 2x कैंसल हो चुका है ऑलरेडी, आपको न्यूज मिली होगी, मैंने अपने फेसबुक पेज में भी अपडेट दे दी थी इसके बारे में, जैसे ये हुआ था सेगविट 2x कैंसल होने की वजह से दोस्तों क्या होगा कि जितने भी लोगों ने ये सोच के इन्वेस्ट किया था बिटकॉइन में कि भाई हम सेगविट में हमको 1:1 के रेशियो में जो फ्री कॉइन मिलेगा सेगविट 2x का, तो वो हम उसका बेनिफिट ले लेंगे। तो दोस्तों उन लोगों ने, सब लोगों ने, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया था कि गिरेगा बिटकॉइन जैसी अगर ये होता है सेगविट, अब सेगविट तो हो ही नहीं रहा है, तो ये सब लोग कॉइन बेच रहे हैं दोस्तों अपने, ठीक है। और ये जब तक बेचते रहेंगे जब तक ये गिरेगा बिटकॉइन, फिर उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा दोस्तों। बिटकॉइन रुकने वाली करेंसी नहीं है, ये आने वाले भविष्य में ये आगे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखना ये है कि कितना जाएगा कितना गिरेगा, ठीक है। फिर भी दोस्तों जो कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे सर क्या करें बिटकॉइन के साथ, मैं बोलूंगा थोड़ा होल्ड कीजिए, सेटल होने दीजिए, गिर जाने दीजिए जितना गिर रहा है बिटकॉइन, फिर आप बाय कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए, या अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कितना गिर गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों 7000 के ऊपर जा चुका था ये, 7500 के करीब करीब 7277 हाई गया था 24 आवर्स का, अभी जो मैं देख रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद ये गिरा 6652 तक आ चुका है, यहां देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा चढ़ना चालू है, लेकिन ये देखिए फिर वापस रेड हो गया, ये गिरेगा दोस्तों थोड़ा और जाएगा, अभी थोड़ा सब्र कीजिए। और बाकी के एल्ट कॉइन आप देख सकते हैं सब एल्ट कॉइन ग्रीन में हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अभी जो एल्ट कॉइन मैं सजेशन दूंगा, डॉग कॉइन अच्छा है, बाय कर सकते हो थोड़ा, और बाकी तो सब अच्छे कॉइन ही लग रहे हैं। लाइट कॉइन कर सकते हैं बाय, ये भी एक अच्छा कॉइन है, ठीक है। और सिया कॉइन भी कर सकते हैं चाहे तो थोड़ा सा, इथेरियम क्लासिक एक अच्छा कॉइन है, ठीक है, रिपल अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए दोस्तों जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी न्यूज आपके लिए, आपको देना जरूरी, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ आपसे और तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ दोस्तों। आपको कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको मालूम पड़े, जो घबरा रहे हैं उनको भी मालूम पड़े, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर।